हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कवर न्यू टॉपिक दैट इज हाउ कैन वी स्टे डिजीज फ्री। हम एक डिजीज से कैसे बच के रह सकते हैं, कैसे दूर रह सकते हैं। इसका कई मेथड होते हैं, यानी एक डिजीज से बचने के कई मेथड होते हैं। इनमें से पहला मेथड होता है कि प्रॉपर फूड लेना। अगर हम डाइट के अंदर प्रॉपर फूड ले रहे हैं, यानी हमारी जो डाइट है वो अगर बैलेंस डाइट है, उसमें प्रॉपरली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रफेज, फैट और एक बैलेंस कम्बिनेशन में है, तो ऐसी डाइट को कहते हैं बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट के वजह से क्या रह सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं। सेकंड, द टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हम खुद की साफ सफाई करके पर्सनल, यानी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपरली हम बाथिंग करेंगे, प्रॉपर ब्रूसिंग करेंगे, हमारी बॉडी की प्रॉपरली केयर करेंगे, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बॉडी का पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, राइट। तो इसके द्वारा हम क्या रह सकते हैं, डिजीज फ्री रह सकते हैं। थर्ड जो आता है, टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन। हम क्या करेंगे, हमारे अराउंड में जो कॉलोनी होती है, हमारे अराउंड का जो इन्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे, सैनिटेशन करेंगे वहाँ पे प्रॉपरली। जो वेस्ट होता है, जो ढंग होता है, जो कचरा होता है, उसको क्या करेंगे, एक प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे। और हम वहाँ पे ट्री प्लांटेशन करेंगे, इसी वजह से हमारी कॉलोनी को अगर हम साफ सुथरा रखेंगे तो हम भी क्या रहेंगे, डिजीज फ्री रहेंगे। अगला इसमें है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए डिजीज। हम एक डिजीज को कैसे पहचान सकते हैं। अब डिजीज के पहचानने के सबसे मेन फैक्टर होता है कि सिम्टम्स। अगर कोई डिजीज किसी पर्सन को होगी तो उसके कुछ सिम्टम्स आएंगे, उसके कुछ लक्षण आएंगे, राइट। जैसे अगर कॉमन कोल्ड होगा तो नोज जो होती है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी रनी नोज हो जाएगी, आंखें रेडनेस आ जाएगी, राइट, वोटरी आइज हो जाएंगी, इतने कॉमन सिम्टम होंगे। इस तरह से हर एक डिजीज के अलग अलग सिम्टम्स अपीयर होंगे, तो सिम्टम बेस पे हम किसी डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लक्षण बेस पे डिजीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर डिजीज है। बॉडी फंक्शंस आर डिस्टर्ब्ड। अगर बॉडी जो होती है प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रही है, अगर किसी पर्सनिंग, यानी हम फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं, बॉडी प्रॉपरली उसको डाइजेस्ट नहीं कर रही, तो इस हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका इट्स मेन बॉडी जो होती है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। और अगर बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब्ड है, तो इसका मतलब ये साइन है किसका, एक पर्टिकुलर डिजीज का, राइट। व्हाट कॉज डिजीज, डिजीज को कौन कॉज करता है। देखो, डिजीज कॉज करने के दो फैक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। यानी कुछ डिजीज होती है बॉडी के इंटरनल फैक्टर की वजह से भी होती है, और कुछ होती है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है। अब फर्स्टली हम देखते हैं कि इंटरनल फैक्टर की वजह से कौन सी होती है। तो फर्स्ट डिजीज हम देखते हैं यहाँ पे कि इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं जो ऐसा करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर हो सकता है फर्स्ट फैक्टर हो सकता है हमारा, दैट इज हार्मोनल इंबैलेंस। इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं अभी। जेनेटिक डिसऑर्डर, बॉडी म्यूटेशंस, ये कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं। अब देखते हैं पहले हार्मोनल इंबैलेंस। देखो, हमारी बॉडी में जो हार्मोन होते हैं प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होते हैं, अगर उनकी कम या ज़्यादा रिलीज हो तो हमारी बॉडी में डिजीज हो सकती है। जैसे
अगर हमारी बॉडी में पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, ग्लैंड होती है, अगर वो ग्लैंड एक हार्मोन इंसुलिन अगर कम रिलीज कर रही है, एक हार्मोन होता है वहां पे इंसुलिन, जस्ट एग्जांपल लिखिए इंसुलिन, इंसुलिन अगर हार्मोन कम रिलीज करे, लेस रिलीज करे, तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, तो वो क्या होगी, हार्मोनल इंबैलेंस हो गया। तो इस तरह से लो सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन जो होते हैं वो गोइटर कोज करेगी, यहां से जो क्या होती है गोइटर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह की हॉर्मोनल इंबैलेंस भी क्या कर सकती है, कोई डिजीज कोज कर सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है, मान लीजिए पेरेंट्स की कोई डिसऑर्डर है, अगर पेरेंट्स के मान लीजिए डाउन सिंड्रोम होता है, अगर कुछ डिसऑर्डर होता है लाइक डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर इफेक्ट, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया सबसे कॉमन होता है। हीमोफीलिया जैसे डिसऑर्डर में क्या होता है, ब्लड जो होता है क्लोट नहीं होता। अगर आपको पता है हमारे अंदर ब्लड अगर कट जाए, घाव लग जाए, वाउंड हो जाए, तो कुछ टाइम के बाद आपको पता है घाव जो होता बंद हो जाता है, और लेकिन हीमोफीलिया के अंदर वो बंद नहीं होता। तो इट्स मीन ये डिजीज होती है पेरेंट्स से ट्रांसफर होगी, पेरेंट्स से बच्चे के पास जाएगी, फिर आगे ट्रांसफर होगी। तो ये डिजीज क्या करती है, पेरेंट्स से आगे और उससे आगे, फिर ये धीरे धीरे जेनेटिक जनरेशन बाई जनरेशन ट्रांसफर होती जाती है। तो इस तरह की डिसीज होती है जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर की वजह से हो सकते हैं। थर्ड होता है बॉडी म्यूटेशन, बॉडी म्यूटेशन जो होती है जनरली लाइक कैंसर सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, कैंसर सबसे कॉमन जो होती है म्यूटेशन की वजह से होती है। तो म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकती है, कैंसर जैसे डिजीज भी हमारी बॉडी में क्या हो सकती है, कोज हो सकती है। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा होता है, यानी आउटर इन्वायरमेंट के जो फैक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन सा होगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर में कौन सा होगा, सबसे पहले होगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन। सेकंड होगा दैट इज पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है पुअर डाइट। देखो ये तीन फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल मेनली। सबसे पहले देखिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, अगर हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, या फिर सोयल पोल्यूशन है, तो वो हमारे बॉडी में डिजीज कोज कर सकता है। जैसे अगर एयर पोल्यूशन ज्यादा है तो हमारे अंदर अस्थमा हो जाएगा, एम्फाइसिमा जैसे डिजॉर्डर कोज हो जाएंगे। इस तरह से अगर हमारे अंदर वाटर पोल्यूशन ज्यादा है तो उससे हमें हैजेस जैसे डिजॉर्डर होते हैं वो कोज हो सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी क्या करते हैं, बहुत सारे डिजीज को हमारे अंदर कोज कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बहुत सारे डिजीज को कोज कर सकता है। सेकंड होता है पैथोजेंस, पैथोजेंस वो फैक्टर होते हैं जो हमारे, पैथोजेंस आर दो फैक्टर्स विच को डिजीज लाइक बैक्टीरिया, लाइक वायरस, लाइक प्रोटोजोन, लाइक हेलमेंथिस, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं, उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस होते हैं जैसे बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे डिजीज कोज करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था वायरस होते हैं लाइक HIV कोज करता है, लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, इसी से डिसऑर्डर कोज करते हैं। तो इस तरह से पैथोजन क्या कर सकते हैं, पैथोजन आउटर इन्वायरमेंट से आएंगे और हमारे अंदर बहुत सारे डिजीज को कॉज करवा सकते हैं। एंड द लास्ट थर्ड फैक्टर इज द पुअर डाइट, अगर हमारी डाइट जो होती प्रॉपरली नहीं है, बैलेंस नहीं है, एक प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हम, बैलेंस डाइट ले रहे, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और वेरियस डिजीज कॉज जाएंगी लाइक स्कर्वी, बेरी बेरी, रिकेटस, इस जैसे डिसऑर्डर होते हैं वो हमारी बॉडी में कोज हो सकते हैं ड्यू टू पुअर डाइट, राइट। तो ये थे कुछ फैक्टर्स।